बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अब्बास व्लॉग के नाम से। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों अब आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी खैरियत से होंगे। आज का मेरा जो व्लॉग है वो एक बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। आज का जो व्लॉग है मेरा वो आज की माहौल के ऊपर है। आज कल जो अदालत के अंदर ये हो रहा है, पाकिस्तान की अदालतों में आजकल उसी की जो एक अकासी है, मैं आपको बयान करना चाहता हूं। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मेरी आखिर तक देखना चाहिए और आपको एक सबक हासिल होगा और आज कल जो हो रहा है वो आपको जो है ना एंड में जाके पता चलेगा कि मेरी बात में क्या वज़न है और क्या बात हुई है। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो एक ज़माने में एक मुर्गी फरोश था। तो मुर्गी फरोश के पास एक बंदा गया, वो अपने घर से मुर्गी जो है ना देसी मुर्गी उसने अपने घर से पकड़ी और उसे ज़िबह करके मुर्गी फरोश के पास लेके गया ताकि इसकी खाल उतार कर आप जो है ना मुझे इसका छोटे छोटे टुकड़े करके मुझे दे दें। वो मुर्गी फरोश के पास लेके गया, मुर्गी फरोश को जो है ना उसने ऐसे ही बोला कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप मुझे दे दें इसकी खाल उतार के। तो उसने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ। तो उसने बोला कि मैं थोड़ा आगे सामान लेना है, मैं सामान लेके आता हूँ, जब तक आप इसके जो है ना छोटे छोटे टुकड़े कर दें। वो आगे ही गया तो पीछे से जज साहब आ गए उसके पास मुर्गी लेने के लिए। तो जैसे ही जज साहब आए मुर्गी लेने के लिए तो उसके पास कोई मुर्गी नहीं थी, वही एक पड़ी थी उसके यानी कि दुकान पर। तो उसने बोला मुझे, जज साहब ने बोला कि मुझे मुर्गी चाहिए। तो उसने कहा कि मेरे पास मुर्गियां ख़त्म हो चुकी हैं। उसने बोला ये जो आपके पास मुर्गी पड़ी है मुझे ये चाहिए। उसने बोला ये किसी एक ग्राहक की है, उसने घर से ज़िबा किया, घर से ज़िबा करके मुझे दिया कि इसके खाल उतार के मुझे टुकड़े करके दे दो। तो उसने बोला नहीं, आप उससे जो है ना झूठ बोल देना कि मुर्गी उड़ गई है, ठीक है, तो ये जो है ना मुर्गी आप मुझे ही दे दें, उसे झूठ बोल देना। उसने बोला मैं उसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ उसके साथ। उसने बोला नहीं, आपने बोल देना है जैसे भी हो मुझे ये मुर्गी चाहिए। तो उसने बोला चलो ठीक है यार, आप अगर कह रहे हैं तो मैं दे देता हूँ। उसने बोला कि आप पे केस ही करेगा ना, थाने पे जाएगा ना, फैसला तो मेरे पास ही आना है ना, उसका फैसला मैं करूँगा, आप ये बात जो है ना छोड़ दें। मुर्गी फरोश ने उसके काट के उसे दे दी, जज साहब को दे दी। थोड़ी देर के बाद वही मुर्गी वाला भी आ गया, उसने बोला कि आपके पास मेरी मुर्गी है दे दो। उसने बोला वो मुर्गी तो उड़ गई। उसने बोला मुर्गी यार कैसे उड़ गई, अभी तो मैं घर से ज़िबा करके आया हूँ, वो कैसे उड़ सकती है। उसने बोला कि नहीं वो उड़ गई है। उसने बोला कि आप अल्लाह पर यकीन करते। उसने बोला हाँ मैं अल्लाह पर यकीन तो रखता हूँ। वो बोला उड़ भी तो सकती है। उसने बोला नहीं, हाथापाई तक पहुंच गया काम, वो पुलिस के पास चला गया, पुलिस पे जाके उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसका केस चला गया अदालत में। अभी अदालत में वो पकड़ के उसको जा रहा है मुर्गी फरोश को, मुर्गी वाला, तो रास्ते में दो बंदे लड़ रहे थे। तो मुर्गी फरोश ने उनको छुड़वाने के लिए एक पे हाथ लगा एक को, तो उसके आंख में हाथ लगा, उसकी आंख ख़राब हो गई, वो भी चला गया थाने पे, वो भी पर्चा करवा के आ गया। एक बंदा भागा मुर्गी वाले के पीछे, मुर्गी वाला ऊपर छत के किसी घर की छत पे चढ़ गया, वहाँ से उसके पीछे बंदे चढ़ गए, वो डर की वजह से नीचे छलांग मार लगाई, नीचे बंदा जा रहा था उसके ऊपर गया, वो भी मर गया। तो जिसका बाप मर गया वो भी उन पे केस करा दिया मुर्गी वाले पे, अभी उनको भी पकड़ के लेके जा रहे हैं। पहुंच गए जी अदालत में, अदालत में पहुंचे पहले मुर्गी वाले से पूछा कि भाई आपका क्या केस है। उसने बोला कि यार मैं इसको जो है ना मुर्गी दे के गया, घर से ज़िबा किया, घर से ज़िबा करके इसको मैंने दिया। वही जज था जो मुर्गी लेके गया उसके सामने पेश हो गए। उसने बोला मैं मुर्गी इसको ज़िबा करके गया, दे के गया हूँ, ये वापसी आया हूँ लेने के लिए, अभी बोलता है कि वो मुर्गी जो है ना उड़ गई। तो जज साहब ने बोला आप अल्लाह पे यकीन करते हो। उसने बोला हाँ मुझे तो यकीन है अल्लाह पे। बोलता है तो वो फिर उड़ भी सकती है, ये भी आप यकीन रखो ना, अल्लाह ताला उसे उड़ा भी सकता है,
उसने बोला हाँ यार ये बात तो ठीक है। उसने केस वापसी ले लिया जी। ठीक है भी, अब उसने हाथ लगाया था जो लड़ रहे थे मुर्गी वाला ने, इसकी आंख में हाथ लग गया था, वो केस सामने लाओ। तो उन लोगों ने बोला कि भाई हम लड़ रहे थे, ये इसने आके हमें छुड़वाने की कोशिश की, इसने मेरे आंख में हाथ लगाया, हाथ मारा तो मेरे आंख ख़राब हो गई है। तो जज साहब ने बोला ठीक है, आंख के बदले आंख जानी चाहिए, ये मसला नहीं है, लेकिन आपकी आंख जो है ना थोड़ी डैमेज हुई है, उसको दोबारा आपकी आंख फोड़ेगा, मुकम्मल आपकी आंख ख़त्म होगी, तो ठीक है फिर आप जो है ना उसकी आंख भी मुकम्मल ख़त्म कर देना, उसकी आंख भी फोड़ देना। वो डर की वजह से उसने बोला नहीं मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं अपना केस वापसी लेता हूँ। बाकी रह गया वो छत पे चढ़ गया था, नीचे बंदा मरा था उस पे, मुर्गी वाला उस पे पकड़ा गया जी। भी ठीक है आप ऐसा करें, ठीक है आप जिसका बाप मरा था ना उसके बेटे को बोला आप छत पे जाएं, ये नीचे से गुजरेगा, आप वहाँ से छलांग लगाना, ठीक है ये नीचे से गुजरेगा, आप इसके ऊपर आएंगे ये मर जाएगा, आपका हिसाब बराबर हो जाएगा। तो जज साहब ने वो जिसका बाप मर गया था उसने बोला कि ठीक है मैं छत पे चढ़ जाता हूँ, ये नीचे से गुजरेगा, अगर मैं इसके ऊपर छलांग लगाऊं तो ये इधर उधर हो गया तो मर तो मैं जाऊंगा फिर दोबारा, मैं मेरा बाप भी मर गया। उसने बोला ठीक है अगर इस बात पे तुम्हें यकीन है तो तुम्हारा बाप इधर उधर क्यों नहीं हुआ था जिस टाइम ऊपर से बंदा आ रहा था गिर रहा था, तो आपके बाप को भी चाहिए था कि वो भी इधर उधर हो जाता। तो उसने भी केस वापसी ले लिया, उसने बोला नहीं मैंने ये केस भी मैं वापसी लेता हूँ। तो मेरे कहने का मकसद ये है, इसका नतीजा यही निकला कि आज कल जो हो रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर, अदालतें जो कुछ कर रही हैं ये उसी की अकासी करता है। तो जज साहबान से रिक्वेस्ट है वो एक कुरान पाक सामने रख के जो है ना फैसला करते हैं, अच्छा फैसला करें, जिसके ख़िलाफ़ भी करें अच्छा करना चाहिए। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये अगली वीडियो तक जो है ना मेरा इंतज़ार करें, एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर होंगे। देखते रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।